नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रणधीर प्रताप यादव। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से टला आईपीएल। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से इसे महामारी का नाम दे दिया गया है। इसकी वजह से कई खेल आयोजनों को स्थगित किया जा चुका है। कोरोना वायरस का असर 29 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल पर भी पड़ना तय है। भारत सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। 13 मार्च से 15 अप्रैल तक के सभी वीज़ा को रद्द कर दिए गए हैं। सिर्फ डिप्लोमेटिक और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को ही मंजूरी दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं, खिलाड़ियों को बिजनेस वीज़ा मिलता है, ऐसे में उन्हें विदेश में आने की अनुमति नहीं हो गई। आईपीएल की 8 टीमों में 60 विदेशी खिलाड़ी अब 15 अप्रैल तक भारत नहीं आ पाएंगे। ताज़ा स्थिति के मद्देनज़र 14 मार्च शनिवार को आईपीएल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होनी है। इसमें लीग पर फैसला लिया जाएगा। खेलों को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि जिन टूर्नामेंट को टाला नहीं जा सकता, उन्हें दर्शकों के बिना ही आयोजित करवाया जाए। उधर आईपीएल रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस पर फौरन सुनवाई की मांग खारिज कर दी है। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने बीसीसीआई से 23 मार्च तक जवाब देने को कहा है। अब जो भी होना है, 14 मार्च शनिवार को गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के बाद होगा। हम अब तक पहुंचाते रहेंगे खेल समाचार के ताजा अपडेट्स। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।